अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज। देखते हैं नारोफाल से ब्यूरो चीफ मियां अंसर अली की रिपोर्ट। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोफाल ने ईद उल फितर की छुट्टियों में 348 अफराद को रेस्क्यू किया। इंजीनियर नईम अख्तर, पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोफाल, ईद उल फितर की रिपोर्ट जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर ने बताया कि ईद उल फितर के दिनों में पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट नारोफाल कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली कॉल्स की तादाद 2055 थी, जिन इमरजेंसी कॉल्स पर रेस्क्यू नारोफाल ने रिस्पांस किया उनकी तादाद 321 थी। ईद पर जिला नारोफाल के जवानों ने जिन इमरजेंसीज पर रिस्पांस किया उनमें रोड ट्रैफिक हादसा 101, मेडिकल 155, क्राइम के 60, फायर इमरजेंसीज 15 और मुतफर इमरजेंसीज की तादाद 42 है। ईद उल फितर के मौके पर ट्रैफिक हादसा, मेडिकल और मुतफरक इमरजेंसीज में 348 अफराद को रेस्क्यू किया, जिनमें 56 अफराद को मौका पर ही इब्तदाई तबी इमदाद दे गई और 285 अफराद को इब्तदाई तबी इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल किया गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 1 और मेडिकल और मुतफरक इमरजेंसीज में 6 अफराद जाँ बाँक हुए। ईद उल फितर के मौके पर रोड पर ट्रैफिक हादसा में ज्यादातर मोटर सवारों का एक्सीडेंट हुआ। रोड ट्रैफिक जख्मी में 110 मर्द और 38 खवातीन शामिल हैं।